जैक फ्रूट का आटा या जैक फ्रूट का पाउडर डायबिटीज रिवर्सल या डायबिटीज मैनेजमेंट की डाइट में हमें यूज करना चाहिए या यूज नहीं करना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, जहां हम डायबिटीज मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बड़ी सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। अगर आप डायबेक्सी से जुड़े हुए हैं और डायबेक्सी के रेगुलरली वीडियो देखते हैं तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए डाइट में डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करना होता है और जिन फूड में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है उनका ग्लाइसेमिक लोड भी ज्यादा होता है। तो इसलिए जब भी आप डायबिटीज के लिए अपनी डाइट बनाना चाहें तो हमेशा यह ध्यान रखें कि कोई भी फूड प्रोडक्ट जो आप ऐड कर रहे हैं उसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं हो, उसका ज्यादा ग्लाइसेमिक लोड ना हो। तो ये तो हो गई मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात, जहां फैट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं हम। इसके अलावा फूड का जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट में हमारे विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें आती हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की अगर डिफिशियंसी होगी बॉडी में तो उससे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। तो अगर आप डायबिटीज रिवर्सल की डाइट बनाना चाहते हैं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हुई तो ये आपकी प्रोग्रेस में अड़चन लगा सकता है, आपकी प्रोग्रेस में रुकावट बन सकता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए डायबेक्सी ने एक डायबेक्सी रिवर्सल टैबलेट इंट्रोड्यूस किया है जिसमें बहुत सारे ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं जो डायबिटीज मैनेजमेंट में आपकी मदद कर सकते हैं। और जब माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होती है तो कई बार बॉडी में वीकनेस, थकावट फील होती है, हाथों पैरों में दर्द फील होता है या हाथों पैरों में झंझनाहट पैदा होती है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम है माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी के कारण हो सकती है। तो इसलिए एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलें ये बहुत ज़रूरी है। तो ये डायबेक्सी रिवर्सल टैबलेट, इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट मिले हुए हैं। तो ये टैबलेट आप दिन में एक टैबलेट रोज लें, डायबेक्सी रिवर्सल टैबलेट, लंच के बाद डेली एक। ये आपको डायबेक्सी.com पर आसानी से मिल जाएगी या ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे भी आपको मिल सकती है। तो ये टैबलेट आज ही ऑर्डर करें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अब हम आते हैं अपने मेन सवाल पे कि जो ये जैक फ्रूट का जो पाउडर है या आटा है, क्या हम यूज़ करें या नहीं करें। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी कोई फूड आपको डायबिटीज़ में ऐड करना है तो तीन पॉइंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, उस प्रोडक्ट का न्यूट्रिशनल वैल्यू पता होना चाहिए। दूसरा, उसका पीएफ वैल्यू, प्रोटीन फैट फाइबर, इनका वैल्यू पता होना चाहिए। और तीसरा, उस फूड का ग्लाइसेमिक लोड पता होना चाहिए। तो डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम हो, ग्लाइसेमिक लोड कम हो, तो वैसा ही फूड हमें चूज करना चाहिए। तो चलिए, जो आज हम देख रहे हैं जो जैक फ्रूट का पाउडर है, इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू चेक करते हैं। तो जब हम इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू चेक करते हैं तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो है 78.5%, इट्स टू मच ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 78.5। और इसमें जो प्रोटीन है वो 8.8% है, इसमें फाइबर 16% है, फैट अप्रोक्सीमेटली ये 1.2% है। तो पहला फॉर्मूला ही गड़बड़ हो गया कि इसमें कार्बोहाइड्रेट इतना ज़्यादा है, हम तो कार्बोहाइड्रेट पहले ही अवॉइड करते हैं, तो ये ठीक नहीं लग रहा है। अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशनल वैल्यू देखने से इतना हाई कार्बोहाइड्रेट वाला फूड डायबिटीज़ में ठीक नहीं रहता है। दूसरा हम पॉइंट देखते हैं पीएफ वैल्यू, प्रोटीन फैट फाइबर। तो अगर हम पीएफ वैल्यू को हम जोड़े प्रोटीन फैट और फाइबर की तो वैल्यू आती है 26। तो ये भी जो वैल्यू है ये बहुत कम है, क्योंकि पीएफ वैल्यू जो हम ढूंढते हैं वो 50 से ऊपर होना चाहिए। 50 से जितना ऊपर पीएफ वैल्यू रहता है उतना डायबिटीज रिवर्सल की डाइट में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो पीएफ वैल्यू भी कम है तो उसके हिसाब से भी ये अप्रोप्रिएट नहीं है डायबिटीज रिवर्सल की डाइट में ऐड करने के लिए। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं इसका ग्लाइसेमिक लोड कितना है। तो ऑब्वियसली वैसे तो जब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है तो ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा होता है, फिर भी चलिए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ग्लाइसेमिक लोड निकालने का जो फॉर्मूला है वो है कि टोटल कार्बोहाइड्रेट मल्टीप्लाइड बाय ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड डिवाइडेड बाय 100। और दिन का, पूरे दिन का ग्लाइसेमिक लोड हमें 25 से नीचे रखना चाहिए, ये हमारा टारगेट होता है।
तो इसका ग्लाइसेमिक लोड निकालने के लिए हमें इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने इंटरनेट पर ढूंढने की कोशिश की कि कोई नंबर जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मिल जाए, लेकिन ये जैक फ्रूट के पाउडर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं मिला। तो जब नहीं मिला तो चलिए अंदाज़ा लगाते हैं अप्रोक्सीमेटली कि कितना हो सकता है। तो उसके लिए इससे मिलता जुलता कोई हम प्रोडक्ट देखें, और उस मिलते जुलते प्रोडक्ट का जितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, इसका मतलब उसका भी उसके आसपास हो सकता है। ऐसे प्रोबेबिलिटी हम ढूंढ सकते हैं, जब भी हमें कोई ना मिले तो उसके आसपास का प्रोडक्ट देख के हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसके आसपास का जो प्रोडक्ट है वो है गेहूं का आटा। हाँ जी, व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा। तो गेहूं के आटे की अगर आप न्यूट्रिशनल वैल्यू देखेंगे तो उसमें 77.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है 100 ग्राम में, इसमें 78.5 है। अच्छा, इसमें प्रोटीन 8.8% है, उसमें 10% है, थोड़ा सा ज़्यादा है। इसमें फाइबर 16% है और उसमें फाइबर 11% है गेहूं के आटे में। फैट ऑलमोस्ट दोनों में बराबर सही है। तो अगर आप देखेंगे कि न्यूट्रिशनल वैल्यू कोई बहुत ज़्यादा डिफर नहीं कर रही है, और गेहूं के आटे का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो अप्रोक्सीमेटली 70 होता है। तो अगर हम इसमें फाइबर ज़्यादा है तो हम थोड़ा सा कम कर लें इसको, तो 70 की बजाय 65 ले लें, या और थोड़ा लोअर साइड पे ले लेते हैं, 60 मान लेते हैं। चलिए अब 60 के बेसिस पे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो टोटल कार्बोहाइड्रेट हो गया 78.5 मल्टीप्लाइड बाई 60, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो हमने एज्यूम किया है, और इसके नीचे डिवाइड बाई 100, तो ये आ गया 47। तो देखिए, जो गेहूं का जो आटा है उसका ग्लाइसेमिक लोड पर 100 ग्राम ये 50 के आसपास होता है, और इसका ग्लाइसेमिक जो लोड है वो 47 है। तो गेहूं के आसपास ही है इसका। और गेहूं का आटा या राइस हम डायबिटीज रिवर्सल की डाइट में अवॉइड करते हैं, क्योंकि ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा है, और ऐसा ही इसमें भी है। तो जैक फ्रूट का पाउडर मेरे ओपिनियन में यूज़ करना सही नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसका ग्लाइसेमिक लोड भी ज़्यादा है, और इसका पीएफ वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि इसमें जब कार्बोहाइड्रेट इतना ज़्यादा है तो फैट, प्रोटीन, फाइबर के लिए जगह ही नहीं बची है। तो देखिए, जब भी डायबिटीज़ के लिए कुछ भी खाना हो तो हमेशा दिमाग लगाएं, न्यूट्रिशनल वैल्यू पढ़ें। डायबेक्सी का मिशन है कि हिंदुस्तान से डायबिटीज़ को पोलियो की तरह भगा दिया जाए, और ये पॉसिबल है नॉलेज और डिसिप्लिन की मदद से। तो जब भी कुछ फूड की बात हो, कुछ फूड सिलेक्शन की बात हो, तो हमेशा दिमाग लगाएं, नॉलेज का इस्तेमाल करें, और फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू पढ़ें। फूड में 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। फैट बॉडी में जाके फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन बॉडी में जाके अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, और कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट होता है। तो कोई भी ऐसा फूड प्रोडक्ट जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है वो डायबिटीज की डाइट में अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो ज़्यादा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है, ज़्यादा शुगर बढ़ा सकता है। तो नेक्स्ट टाइम से हमेशा 3 चीज़ें ध्यान रखें, जब भी आपको कोई फूड प्रोडक्ट देखना है, खा सकते हैं या नहीं खा सकते, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू पढ़ें, अगर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है तो ठीक नहीं है, उसका पीएफ वैल्यू देखें, पीएफ वैल्यू फैट, प्रोटीन, फाइबर का जो जोड़ है वो 50 से ऊपर होना चाहिए, और तीसरा उसका ग्लाइसेमिक लोड कम होना चाहिए, और पूरे दिन में हमें अपनी डाइट का ग्लाइसेमिक लोड 25 से नीचे रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो नॉलेज लेते रहिए और नॉलेज लोगों को स्प्रेड करते रहिए, क्योंकि जब अवेयरनेस बढ़ेगी तो डायबिटीज घटेगी। ध्यान रखिए, अवेयरनेस बढ़ेगी, डायबिटीज घटेगी। सो डायबिटीज से रिलेटेड जो भी आपके पास नॉलेज है वो लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि जब आप नॉलेज शेयर करेंगे तो नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ेगी, और नॉलेज बढ़ेगी तो डायबिटीज घटेगी। थैंक यू।